सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं का जमकर मखौल उड़ाया। क्या भगवान विष्णु, क्या राम भक्त हनुमान और क्या गौरी पुत्र गणेश सबके वजूद को अपनी नफरती जुबान से रकारने की हरकत की और भगवानों की थोक बिक्री का जिक्र किया। 333 करोड़ खुदाओं का एग्जिस्टेंस फिर कैसे माना जाएगा, ये कैसे लॉजिकल है? एक खुदा का तो समझ में आता है जिसपे पूरी इंसानियत का इजमा है, हम कलेक्टिवली तमाम इंसान चाहे वो किस, लेकिन 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होल सेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता। आदिल चिश्ती के बयान अचानक से या किसी आवेश या बहस में दिए बयान नहीं थे, सोच समझ कर हिंदू आस्था और आराध्यों पर छींटाकशी की जा रही थी, बकायदा वीडियो रिकॉर्ड कर आगे बढ़ाया जा रहा था। सवाल नुपुर शर्मा से था लेकिन बकौल पूरे हिंदू समाज का था। आदिल चिश्ती ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर सवाल उठा दिए, वो अवतार जिनमें श्री राम और श्री कृष्ण जैसे करोड़ों हिंदुओं के आराध्य शामिल थे। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार, उनमें से कुछ इंसान, जैसे कहते हैं कि ये इनकार्नेशन है, उनमें से कुछ इनकार्नेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकार्नेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकार्नेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। तो प्लीज नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि इस 10 अवतार, ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान, आप कह रहे हो से भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में, और फिर एक फ्यूजन के रूप में। आदिल चिश्ती यही नहीं रुका, उसने गणेश जी और हनुमान जी के वजूद पर भी सवाल किए। उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, आप खुद मानते हो आपके भगवान हैं, तो श्री गणेश हो या हनुमान जी हो, डू दे रियली, डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? नहीं। दरगाह के दर पर आखिर हिंदू विरोधी नफरत के चेहरों को बढ़ावा क्यों, जब चिश्ती परिवार से जुड़े 4-4 लोग हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने, भड़काने, कभी सिर काटने की धमकी देने, कभी हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार करने में लगे। जो परिवार एक तरफ अपनी आस्था को लेकर नुपुर का गला काटने की बात कर रहा है, वो दूसरी तरफ हिंदू आस्था की खिल्ली उड़ा रहा है। आखिर हिंदू आस्था का बखौल इतना सस्ता क्यों, भगवान का अपमान इतना आसान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।